हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे भले चंगे होंगे। तो ये है हरा मूंग और ये मेरे घर पर होता है, तो मैं आज इसके छोले बनाने जा रही हूँ। आप छोले या सब्जी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मूंग के सब्जी कई तरीके से बनता है और मूंग के सब्जी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए आज मैं मूंग के सब्जी और चावल ही बना रही हूँ। हम लोग तो मूंग छोला बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। और एक तरफ मैं चावल चढ़ा दी हूँ गैस पर, और यहाँ पर मैं चावल चढ़ाई हूँ और आप लोग को भी दिखा रही हूँ। और देखिए यहाँ पर चावल बन रहा है, और ये आराम से इंडक्शन पर रख देती हूँ तो धीरे धीरे बनते रहता है, और बाकी का मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो ये जो मूँग और रखी हूँ पानी कुकर में, उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैं जो नाश्ते वाले बर्तन था तो उसको भी धोकर मैं टोकरी में रख दी हूँ। और ये देखिए कुकर बंद करके गैस पर चढ़ा दी हूँ, और 3 से 4 सीटी लगने दूंगी अच्छे से, क्योंकि मैं मूंग फुला के नहीं रखी थी। तो थोड़ा सा नमक डाल देने पर ना जल्दी गल जाता है और मूंग, तो यहाँ पर 3 से 4 सीटी लगेगा। तब तक मैं वेट करूँगी, अपना दूसरा काम कर लूँगी और इधर चावल भी बन जाएगा साथ के साथ। तो इसी तरह से मेरा काम रहता है। गैस पर मैं कढ़ाई रख दी हूँ और कढ़ाई मेरा अच्छा खासा गर्म हो गया है, और उसमें मैं सरसों के तेल ऐड की हूँ। तो उस बोतल में उतना ही तेल था और मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो और थोड़ा सा सरसों तेल डाल दी हूँ। और यहाँ पर तेज़पात, हींग, जीरा का और तड़का लगाई हूँ। उसके बाद हरा मिर्चा डाली हूँ और करी पत्ता डाली हूँ, और वो सब हो गया है। तो प्याज मैं चॉप करके रखी थी तो प्याज को डाली हूँ, और प्याज को डालकर अच्छे से चला चला कर भूनूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा मेरा प्याज भून जाएगा तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं ऐड कर दूंगी, और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट साथ साथ ही भून लूँगी जो गोल्डन ब्राउन करने तक। तो फिर मेरा देखिए यहाँ पर दोनों भून गया है, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मैं टमाटो ऐड कर रही हूँ, और टमाटो बिल्कुल रेड कलर का था तो इससे सब्जी का कलर ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर टमाटो मेरा गल गया है तो मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। मसाला में हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, रेड मिर्चा पाउडर है और सब्जी मसाला है। यहाँ पर तो मैं इतना ही मसाला डाली हूँ, और डालकर अच्छे से चला लूँगी, चला चला कर भूनूंगी जब तक मसाला ना छोड़े, और थोड़ा देर के लिए ढक दूंगी। इससे क्या होता है ना कि मसाला जल्दी तेल छोड़ देता है। तो यहाँ पर ढकने के बाद मसाला तेल छोड़ दिया था, तो अभी जो मूँग उबाल के रखी थी उसको इसमें ऐड कर लेती हूँ। और मूँग जो ऐड की हूँ ना तो अच्छे से चला दूँगी। कभी कभार क्या होता है, पानी कम रहता है ना तो मूंग उबलने में थोड़ा सा गुठली पड़ जाता है। तो मेरा पानी ठीक ठाक था, मुझे ऊपर से पानी इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर नमक ऐड की हूँ, और नमक ऐड करने के बाद चाट मसाला ऐड कर दी हूँ, और कलर बहुत सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पर मेरे सब्जी में उबाल आ गया है। ऐसे तो मूंग उबल गया है अच्छे से, और बस मुझे मसाला को ही सिंझाना था। तो यहाँ पर मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सब्जी बन के रेडी हुआ है। आज के लंच में मूंग के छोला और चावल है। एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे भले चंगे होंगे। और अभी मेरी बेटी का स्कूल ख़त्म हुआ है और मुझे स्कूल जाना है नोटबुक जमा करने। एक दिन नोटबुक जमा होता है, उसके अगले दिन फिर नोटबुक मिल जाता है, तो कल फिर लेने भी जाना पड़ेगा। और उसके साथ जब हम लोग लेने जाते हैं तो वर्कशीट भी मिलता है जो वीकली होता है। तो अभी मैं मार्क्स लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी स्कूल। और देखते हैं, सिया और अंश घर पर ही रहते हैं, दोनों को छोड़कर जाती हूँ, क्योंकि मैं पैदल जाती हूँ ना, मुझे कार चलाना आता नहीं है और स्कूटी भी इतनी अच्छी नहीं आता है कि मैं दोनों बच्चे को बैठा कर लेकर चली जाऊँ। और स्कूटी से तो मेरे हस्बैंड आज चले गए हैं, ऐसे वो कभी कभी कार से भी जाते हैं, कभी कभी स्कूटी से भी चले जाते हैं। तो वो डरते हैं ऐसे कि दोनों बच्चे को लेकर जाएगी तो, क्योंकि मुझे अच्छे से स्कूटी चलाने नहीं आता है, तो इसीलिए वो आज स्कूटी लेकर भाग गए हैं कि घर में रहेगा तो हो सकता है लेकर चली जाएगी। और मेरा स्कूटी थोड़ा हिलता है चलाने में, तो बहुत डरते हैं कि कहीं मैं ना रहूं और ये दोनों बच्चे के लेकर चली ना जाए, इसलिए स्कूटी के चाबी और स्कूटी दोनों भी लेकर चले गए हैं। तो चलिए अभी मास्क पहन लेती हूँ और फिर मैं स्कूल जाऊँगी। और अंश अभी रो रहा है, अभी देखते हैं अंश के हाल क्या है।
जा रही हूँ, अब जाने देता है कि नहीं। ऐसे तो मैं जाती हूँ, मैं ही जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के पास इतने टाइम नहीं होता है कि बच्चे के भी काम देखे और घर के भी काम देखे। वो अपना जो काम है वही करते हैं, घर का काम मेरा रहता है। तो चलिए अभी नोटबुक कहाँ है सिया? कहाँ पर? मैं आऊँगी जल्दी ना। और ये नोटबुक ले ली हूँ और एक वर्कशीट भी है इसमें, अब मैं जाऊँगी। और ये देखिए, ए बाय, अब जाऊँ ना मैं? हाँ ठीक है, जल्दी आऊँगी ना माऊ के मार के। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं अंश और सिया को घर पर छोड़ के आई हूँ और वो दोनों को ना टॉयज दे दी हूँ खेलने के लिए। तो वो टॉयज खेल रहे हैं, ऐसे तो वो लोग खुशी खुशी बाय कर दिए कि जाओ मम्मी, मगर मुझे डर लगा रहता है कि कहीं छोटे हैं गिर ना जाए। और अंश और सिया जो है ना, वो दोनों भिड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा दोनों को चलता रहता है, एक ही टॉयज के लिए दोनों लड़ते हैं। तो अभी मैं छोड़ कर तो आई हूँ, मगर डर लग रहा है कि कहीं वो लोग मतलब गिर ना जाए। और ऐसे में बेडरूम हर तरह की दरवाज़ा बस बंद कर दी हूँ, हॉल में वो दोनों को बैठाई हूँ कि हॉल में खेलना। ऐसे सिया थोड़ा तेज है, चतुर है, वो बालकोनी के दरवाज़ा खोल लेगी और वो पक्का बालकोनी में दोनों बैठ के खेलेंगे। मगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम दो दो बच्चे को लेकर इतना दूर आ नहीं सकते हैं और अंश पैदल चलता नहीं है। और मेरा भी ये जब सीजर हुआ ना, तब से मैं ज़्यादा वजन वाले चीज़ नहीं उठा सकती हूँ, तो मेरा भी मजबूरी है। मगर कोई नहीं, मैं कई बार आ गई हूँ तो लोग अच्छे से रहते हैं। और बोलते हैं ना, जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ भगवान रहते हैं, तो वही है। चलिए आप लोग को भी मैं ईसा का स्कूल ले चलूँगी और आप लोग को भी मैं ईसा का स्कूल दिखाऊँगी। आज आप लोग भी ईसा के स्कूल देख लीजिए। ये देखिए, जब ईसा छोटी थी तो यहीं पर पढ़ने आती थी, लिटिल एली है, यहाँ पर नर्सरी और प्ले चलता था जब छोटी थी बिल्कुल ना। ईसा का 2.5 साल पर एडमिशन हो गया था, तो प्ले और नर्सरी यहीं से की थी। और ये थोड़ा पास में पढ़ता था, और ये जो बड़ा वाला स्कूल है UKG का है, ये थोड़ा दूर पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बड़े वाला स्कूल में आ गई हूँ, और ये बड़े वाले स्कूल का सब गार्डन वगैरह दिया गया है। और ये है मेरी बेटी का स्कूल ईसा का, तो यहीं पर अब ईसा आएगी पढ़ने। और मैं यहाँ पर अभी मैम को नोटबुक और वर्कशीट दे दूँगी, और उसके बाद मैम देखती हूँ क्या बोलती हैं कि कल आना पड़ेगा। जैसे वो डेट बताती हैं उसके अनुसार ही फिर नोटबुक लेने आना पड़ता है। घर आ गए हैं और देख रहे हैं अंश लोग का रिएक्शन क्या हुआ। ओ, किचन का नल खुला है बेटा? हाँ। बंद करो किचन का नल। क्या करके रखे हो बाबू? लो जी रख दो बेटा मस। और देखिए मैं घर आ गई हूँ और बिल्कुल थक गई हूँ बिल्कुल, और पूरे पसीना निकल रहा है। और मेरे बच्चे को तो मैं पहले ही लंच करा दी थी और मैं भी कर ली थी। और टाइम अभी आप लोग को दिखा रही हूँ, टाइम कितना हो रहा है, अभी 2:10 कम है, इतना टाइम हो गया है। और अभी मैं अपने दोनों बच्चे को सुलाऊंगी, तो थोड़ा देर मुझे वो लोग के साथ लेटना पड़ेगा। तो मैं आप लोग से विदा लूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।